पेंड्रा बॉक्स में आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ब्यूटी टिप्स। आज मैं समर स्पेशल क्यूकम्बर आइस क्यूब बनाऊंगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, गर्मियाँ आ चुकी है और इसका असर हमारे स्किन पर भी दिखाई देने लगा है, जिससे हमारे स्किन में काफ़ी ऑयल आ जाता है और जिस कारण हमारे स्किन पर बहुत ही ज़्यादा एक्नी, पिंपल्स और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और साथ ही हमारे स्किन पर डार्क स्पॉट, सैंटेन और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप नेचुरल तरीके से आपके स्किन के प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तो आइए क्यूकम्बर आइस क्यूब्स बनाना स्टार्ट करते हैं। क्यूकम्बर आइस क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले क्यूकम्बर लेंगे, फिर इसको अच्छे से पील कर लेंगे। और एक नींबू लेके आधे कर लेंगे। और उसके बाद क्यूकम्बर को अच्छे तरह से ग्रेट करेंगे। फिर इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे। तो अब सारी चीज़ें डाल दी है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अभी हम इस तरह से कोई भी आइस क्यूब ट्रे लेंगे। अभी इस मिक्सचर से आइस ट्रे को अच्छे से फिल कर देंगे। ताकि हमारे आइस क्यूब अच्छे से सेट हो जाए। तो अब इस आइस क्यूब ट्रे को 3 to 4 hours के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 3 hours later. तो ये लगभग 3-4 घंटा हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप फेस को अच्छे से क्लीन कर ले और उसके बाद ही आइस क्यूब लेकर आपके फेस में इस तरह से अच्छे से अप्लाई करें। इसे लगाने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए।
और उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को धो लीजिए। ये बहुत ही अच्छा इजी होम रेमेडी है, आप भी घर पे यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे सांटेन है तो उसको भी तुरंत ही दूर करेगा।